आज हम पढ़ने वाले हैं द वर्ब पर्सन एंड नंबर कि कैसे वर्ब की फॉर्म चेंज होती है पर्सन और नंबर के चेंज हो जाने से। अब ये पर्सन क्या होता है, नंबर क्या होता है, ये सब हम जानते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट हम देखते हैं आप कि पर्सन की वजह से वर्ब कैसे, वर्ब की फॉर्म कैसे चेंज होती है। तो द वर्ब लाइक द पर्सनल प्रोनाउंस हैज थ्री पर्सन्स, द फर्स्ट, द सेकेंड एंड द थर्ड। पर्सनल प्रोनाउन की तरह ही वर्ब के भी तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखो तीनों पर्सन के बारे में जानने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इन तीनों को समझ सके। जैसे कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, मेरा दोस्त हो गया सेकंड पर्सन, और जिससे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर मैं एक चार्ट बना लिया, उसके बाद इस एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं हूँ, ठीक है, मैं अगर मैं बोलूंगा तो मैं सिंगुलर हूँ। अभी अगर मैं अकेला खड़ा हूँ तो फर्स्ट पर्सन तो मैं हुआ, सेकंड पर्सन मेरा दोस्त हुआ, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन अगर मैं सिंगुलर हूँ यानी कि मैं अकेला खड़ा हूँ तो मैं अपने लिए आई यूज करूंगा। अगर मेरे साथ मेरे दोस्त भी खड़े हैं तो मैं क्या करूंगा, अपनी जब भी बात बोलूंगा तो मैं वी यूज करूंगा। सेकंड पर्सन यानी कि जो सेकंड पर्सन है, जो मेरा दोस्त है, अगर मुझे उसको कुछ बात बोलनी है तो मैं उसके लिए यू यूज करूंगा। अगर उसके उसके भी कोई दोस्त है, ठीक है, उसके साथ खड़े हैं तो मैं उन सबको बोलने के लिए भी यू का ही यूज करूंगा। तो सेकंड पर्सन की ये बात है कि सिंगुलर प्लूरल में यू का ही यूज होता है। थर्ड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम उसको कैसे मतलब बोलेंगे, कैसे ही करके बोलेंगे, लड़की है तो शी करके बोलेंगे, कोई ऑब्जेक्ट है तो इट बोलेंगे। प्लूरल में अगर बहुत सारी चीज है वो, तो उसको हम दे करके बोलेंगे, ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या होता है, ये प्लूरल में क्या होता है, सिंगुलर में क्या होता है, और ये हमारे क्या होते हैं, कहाँ पर यूज होते हैं, सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज होते हैं ये, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लाइन वाइज एग्जांपल लिखा है, फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड पर्सन का सेकंड एग्जांपल, थर्ड पर्सन का थर्ड एग्जांपल। फर्स्ट पर्सन का क्या एग्जांपल है, आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, स्पीक क्या है, यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। तो आई स्पीक, तो आई हमारा किस में आता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आता है आई, आई स्पीक। तो वर्ब हमारा यहाँ पर क्या लिखा है, स्पीक यहाँ पर आया है वर्ब की फॉर्म में, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है सेकंड पर्सन का, यू स्पीक। सेकंड पर्सन में देखो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या आता है, यू ही आता है, तो यहाँ पर लिखा है यू स्पीक। थर्ड पर्सन है ही स्पीक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पर्सन की वजह से कैसे वर्ब में चेंज आया है। तो देखो फर्स्ट पर्सन में तो स्पीक ही रहा, स्पीक का स्पीक ही रहा, सेकंड पर्सन में स्पीक का स्पीक ही रहा, लेकिन थर्ड पर्सन यहाँ पर स्पीक्स हो गया। तो देखो थर्ड पर्सन ही कब आता है, ही सब्जेक्ट की प्लेस में, ही कब आता है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही शी इट। तो देखो बस आप क्या है, और सब में तो सब चीजें तो सेम रहती है, यानी कि फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू यू, थर्ड पर्सन में दे, ये जो चीजें हैं ये सब तो बिल्कुल सेम सेम रहती हैं। बस ये क्या हो, चेंजेस किस में होते हैं, ज्यादातर इस चीजों में होते हैं, सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही ज्यादातर क्या होते हैं, चेंजेस होती हैं। तो उसी की वजह से पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन में चेंज हुई है, क्या हुआ है, वर्ब में चेंज हुआ है, यहाँ पर एस लग गया है। अब ये एस क्यों लगा है तो वो भी हम जानेंगे अभी के पर्सन की वजह से कैसे चेंज हुआ है। तो अभी तक आपने देख लिया कि कैसे चेंज हुआ। तो देखो एक और एग्जाम्पल थर्ड पर्सन का है, दे स्पीक। अब आप बोलोगे दे कब आता है, दे आता है हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ यूज, प्लूरल में होता है यूज दे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे दोनों एग्जाम्पल क्या है, ये थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल है, एक सिंगुलर का है एक प्लूरल का है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर वाले के साथ ये वर्ब यूज हुआ है, उसके साथ एस यूज हुआ है। और अगर हम प्लूरल वाले एग्जाम्पल की बात करें, प्लूरल क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर एस यूज क्यों नहीं हुआ। तो देखो क्यों नहीं हुआ यूज, इसका आंसर हमें मिलेगा नंबर के उसमें, ठीक है। तो नंबर वाला उसमें हम देखते हैं, उस पर दोबारा इसी एग्जाम्पल पे आते हैं, और मैंने यहीं पर वो एग्जाम्पल लिख लिया है थर्ड पर्सन, और सब तो आपको समझ में आ गया था कि आई स्पीक यू स्पीक इसमें सेम रहा, पर्सन की वजह से क्या हुआ, स्पीक्स आया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जान लेते हैं नंबर की वजह से कि कैसे चेंज हुआ है वर्ब में, ठीक है, कैसे हुआ है। द वर्ब लाइक द नाउन एंड द प्रोनाउन हैज द टू नंबर्स, द सिंगुलर और प्लूरल। नाउन और प्रोनाउन के भी दो नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। वर्ब के भी ऐसे ही दो नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर यानी कि आप अगर ध्यान से देखो, ही क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है। ही किस लिए यूज होता है, एक पर्सन को संबोधित करने के लिए यूज होगा ही। अगर बहुत ज्यादा लोग हैं तो उसको हम क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। और ये दोनों ही एग्जाम्पल क्या है, थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल है, ही और दे थर्ड पर्सन में ही आते हैं। तो यहाँ पर देखो ही के साथ यूज हुआ है स्पीक्स और दे के साथ यूज हुआ है स्पीक। ये क्यों हुआ है, ये हुआ है इसलिए क्योंकि डिफरेंस इन नंबर, ही यूज होता है सिंगुलर के लिए, दे यूज होता है प्लूरल के लिए।
यहाँ पर क्या है नंबर का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर क्या है स्पीक्स यहाँ पर यूज करा गया है, यहाँ पर स्पीक यूज करा गया है। इसके लिए एक चीज ध्यान रखना है, जब हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, ठीक है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी प्लूरल होगी। इसी हिसाब से आप समझ में आ गए हो, तो पर्सन के हिसाब से क्या कहेंगे, पर्सन अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब का वर्ब लगेगा स्पीक, अगर सेकंड पर्सन है यू स्पीक, लेकिन अगर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के हिसाब का ही यहाँ पर क्या लगा है वर्ब का यूज करा गया है, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये जान सकते हो अगर सिंगुलर में आए यहाँ पर, अगर थर्ड पर्सन में, और सब में तो क्या है सेम ही सेम रहती है वर्ब, ठीक है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होता है चेंज हुए, यहाँ पर ही शी इट में चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, बस लास्ट में एस लगाया जाएगा, ठीक है, यानी कि एस लगाया जाएगा या ई एस लगाया जाएगा। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, ही गोज टू द मार्केट, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं गो, ही गो टू द मार्केट, तो ये सेंटेंस क्या हो गलत हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पर क्या आएगा गो नहीं आएगा गोज आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम प्लूरल की बात करें अगर थर्ड पर्सन में ही, तो प्लूरल में क्या होगा स्पीक तक ही आएगा। अगर मैं इसका एग्जाम्पल बनाऊं तो यहाँ पर क्या आएगा दे गो टू द मार्केट, ये सही हो जाएगा, और ही गोज ही के साथ गोज ही आएगा, ऐसे ई एस एस में लगाया जाता है ही के साथ थर्ड पर्सन में। तो ये बात रखना कि कैसे आपने समझ लिया कि पर्सन के साथ कैसे चेंज होता है वर्ब और नंबर के साथ कैसे चेंज होता है। अगर नंबर में कैसे होता है दोबारा बता देता हूँ कि सिंगुलर नंबर है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा हमारा प्लूरल ही होगा। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि कैसे वर्ब जो है नंबर पे डिपेंड है और पर्सन के साथ कैसे ये एग्री है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट एंड द नंबर एंड सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। वर्ब को हमेशा एग्री रहना चाहिए अपने जो भी उसका सब्जेक्ट है नंबर या पर्सन में, उससे साथ एग्री होना चाहिए, यानी कि वर्ब नंबर और पर्सन के साथ क्या करना चाहिए एग्री होना चाहिए, उसी के हिसाब से वर्ब वहां पर लगाई जाएगी। कैसे, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, इफ द सब्जेक्ट इज ऑफ द सिंगुलर नंबर, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है आई, यहाँ पर हमारा क्या है सब्जेक्ट है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, आई क्या होता है यूज होता है सिंगुलर नंबर के लिए, सिंगल किसी पर्सन को बोल रहे हैं उसी के लिए, तो और यहाँ पर क्या है कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में देखो आई आता है सब्जेक्ट के प्लेस में, ठीक है, प्लूरल में वी आता है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में हम इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं आई एम हियर, ठीक है, आई वॉज देयर, आई प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि हमने ऊपर भी एग्जाम्पल देखे थे फर्स्ट पर्सन के, तो उसमें क्या था आई स्पीक था, उसमें एस तो लग नहीं रहा था, तो इसलिए यहाँ पर भी कहीं पर भी एस यहाँ पर यूज नहीं करा गया है। बात करें एम और वॉज की, तो एम हमारा कब यूज होता है, एम हमारा यूज होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। तो मैं यहाँ पर देखो एक बार लिख भी देता हूँ एक चीज के, देखो इज यूज हमारा कब होता है, इज यूज होता है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है हमारा इज। आर कब यूज होता है, आर यूज होता है हमारा, ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ बड़े चलो ठीक है सही है, आर हमारा यूज कब होता है, आर यूज होता है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, नहीं एम यूज, सॉरी आर नहीं एम यूज होता है, इज एम आर होता है ना, एम यूज होता है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। और क्या होता है आर बचा, आर यूज कब होता है, आर यूज होता है हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ, और कॉमा लगा के, और क्या है सेकंड पर्सन में होता है यूज, सेकंड पर्सन में देखो यू ही होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू ही होता है, तो दोनों में यूज होता है सिंगुलर और प्लूरल में आर ही यूज होगा जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे। और क्या होता है थर्ड पर्सन में प्लूरल में आर यूज होता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी जो मुझे आपको बतानी थी कि कैसे सिंगुलर में क्या देखो यहाँ पर प्लूरल क्या आ गया थर्ड प्लूरल आर का ये, ठीक है, यहाँ से मैं नीचे कर देता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा है मैंने, इसके साथ इज यूज कब होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज यूज होगा, एम यूज होगा हमारा, एम यूज होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, आर यूज होगा हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड प्लूरल के साथ। यानी कि इससे हमने क्या समझ लिया, इज यूज होता है हमारा सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, सिर्फ चेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही ज्यादातर चेंजेस क्या होते हैं, होते हैं। तो उसी में आपको ध्यान देने वाली बात है और इज एम आर में जो है वो बात ध्यान देने वाली बात है, और हैज हैव का हम आगे समझेंगे, ठीक है, वो सब भी एग्जांपल हम समझेंगे। तो इसमें आपने समझ लिया ये एग्जांपल क्या था। नेक्स्ट हमारा है हमारा इफ द सब्जेक्ट इज ऑफ द सिंगुलर नंबर, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर नंबर है और पर्सन कौन सा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आता है, ही शी इट आता है। तो हमने जैसे कि देखा था ही स्पीक्स आया था थर्ड पर्सन में ही के साथ, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमेशा बार बार में ऐसी लगेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, यहाँ पर प्लेज आया है, अगर हम इसका थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ बना, यहाँ पर जो सिंगुलर लिखा है अगर मैं इसको प्लूरल कर दूं तो यहाँ पर क्या आएगा, दे से मुझे बनाना पड़ेगा, दे प्ले क्रिकेट लिखूंगा, उसमें एस नहीं आएगा, ठीक है। बात करें यहाँ पर देखो इज आया, यहाँ पर ही इज हियर, ही हैज अ बैट। अब देखो हैज और हैव की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हैज कब यूज होता है, हैज हमारा यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और देखो यहाँ पर यूज भी हुआ है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, यहाँ पर क्या है ही क्या है थर्ड पर्सन का ही है, ही सिंगुलर ही है, ठीक है, सिंगुलर में ही तो होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है, ही उसके साथ क्या होता है, यहाँ पर हैज यूज होता है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, ही इज हियर, यहाँ पर ये लिखा है। और अब बोलोगे हैव कहाँ यूज होता है, हैव भी तो बचा, हैव देखो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख रखा है, उसका क्या होता है, सिक्स क्या है यहाँ पर, इफ द सब्जेक्ट इज ऑफ द सिंगुलर नंबर, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है, नहीं रुक जाओ ये तो वो चीज कर दो, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द प्लूरल नंबर, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आता है, दे आता है, तो दे हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दे के एग्जाम्पल देख रहे हैं, दे आर हियर, दे वर देयर, दे हैव बैट्स, दे प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर आप देखो क्रिकेट वाला एग्जाम्पल को आप देख ही सकते हो, ही प्लेज क्रिकेट, ही के साथ एस का यूज होगा, ये हमने देख लिया तो पहले, और दे के साथ यहाँ पर होगा प्ले ही आएगा, एस का यहाँ पर यूज नहीं होगा। और बात करें हैज और हैव की, हैज का तो हैज कब यूज होता है, हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या होता है, हमारा हैज यूज होता है। हैव कहाँ यूज होता है, हैव का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, have हमारा यूज होता है फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन मैंने लिखा है, इसका मतलब है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है हमारा has, सॉरी have, ठीक है, फर्स्ट have कहाँ यूज होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल बोथ, यानी कि आई के साथ भी have यूज हो सकता है और वी के साथ भी हैव यूज हो सकता है। और कहाँ होता है, सेकंड पर्सन में यूज होता है, सेकंड पर्सन यू होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हमारा हैव यूज होता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ यूज होता है हमारा क्या, देखो PLU तक लिख दिया, ठीक है, हैव यूज होता है हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। तो यहाँ पर देखो इससे हैज यूज होता है, हैज का एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर देख लिया, सिंगुलर थर्ड पर्सन में तो हैज यूज हुआ है, और प्लूरल थर्ड पर्सन में क्या है, हैव का यहाँ पर यूज हुआ है। तो ये चीज है इसमें देखने वाली, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो एक जगह, इज एम आर का भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। तो इसी के साथ हमने ये कैसे क्या कहते हैं वर्ब की फॉर्म चेंज होती है पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग, ये हमने देख लिया। तो इसी के साथ हमारा ये समझना कम्प्लीट हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।